होता क्या है कि जो फेम है वो एक तरह का बैगेज है, फेम के साथ में और बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपको अंदर से तंग करती है। बहुत सारे लोग फेम को यूज करके पैसा कमाना चाहते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसा जो कमाया जाता है वो कमाया जाता है ट्रस्ट के थ्रू। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं फेमस हो गया, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का यहाँ पर, बट एक लड़की है जो गाने गाती है, हाँ, बड़े ही वाहियात गाने गाती है, जी, अंडरस्टूड, आप समझ गए ना, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है, तो वो बहुत फेमस है, उसको हर कोई जानता है, बट क्या वो उस फेम से पैसा कमा सकती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पैसा कमाया जाता है ट्रस्ट से। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, उनको जो एड्स मिलती है जहां से वो पैसा कमाते हैं, वो एड्स किस वजह से मिलती है? क्योंकि वो फेमस है या वो एक अच्छे क्रिकेटर है? समझ गए ना, अभी जो हमने एग्जांपल दिया था, अपना काम पे ध्यान रखो, अगर फेमस हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट, नेम फेम मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, अगर तो वो एक बाय प्रोडक्ट है और आपका फोकस कुछ और है लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर क्या होगा, चाहे फेम आया चाहे गया, फेम तो आता जाता रहता है, उसको नाम ज्यादा फर्क भी नहीं, अच्छा हो जाता है कभी खराब हो जाता है, एक कंट्रोवर्सी होने की देर होती है, जो लोग तारीफ कर रहे होते हैं वही बुराई करने लग जाते हैं, फेम आ जाता है चला जाता है, आज कोई फेमस है कल कोई और हो जाता है, आज कोई और न्यूज में आ रहा है कल कोई और आ जाता है, और आजकल तो न्यूज भी एक दो दिन से ज्यादा नहीं टिकती है, राइट, तो फेम भी ज्यादा नहीं टिकता है। तो अगर किसी को ये अंदर से कीड़ा आ जाए कि भाई मेरे को तो फेमस होना है और फेमस रहना है, तो वो बहुत उल्टे सीधे काम करने लग जाएगा या करने लग जाएगी उस फेम के चक्कर में, फिर वो फंसते चले जाएंगे, वो फेम उनको फंसा देगा, किस किस तरह से फंसा देगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वही लोग मिजरेबल होते होंगे उस पर, वो ही मिजरेबल होते हैं, आप समझ गए, क्योंकि वो फेम के पीछे भाग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी बात करो तो आई डोंट इंजॉय फेम, बट मजबूरी है, क्या करूं, अब ये जो काम कर रहा हूं इसमें वो साथ में आ रहा है। सर वैसे ग्रेटिट्यूड फील होता है कि लोग आ रहे हैं कि मैंने इसके लिए काम किया है, लोग मतलब कि थैंक यू बोलने आ रहे हैं, मतलब कहीं पे बिल्कुल भी नहीं, आप मतलब परेशान होते हो, मतलब कि ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता? ना मैं परेशान होता हूँ ना मैं खुश होता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कोई आया सर सेल्फी ये वो व्हाटएवर, हाँ ठीक है करो और जाओ बस खत्म, तो आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, उसमें खुश क्या होना है, उसमें परेशान क्या होना है, आई एम कंट्रोलिंग दिस एस्पेक्ट इन अ वे जिस तरह से मैं करना चाहता हूँ, मैं किस तरह के जगह पे जा रहा हूँ, किन लोगों से मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उस सब के पीछे एक थॉट प्रोसेस है। इन सब का विजन है आपका कि आगे पूरा विजन है कि फेम को किस लेवल तक रखना है और कहाँ तक नहीं रखना है, फेम को कब गिराना है कब उठाना है, आप कह सकते हो मैं फेम को खुद गिरा रहा हूँ टाइम टू टाइम जान करके, ताकि वो एक लिमिट में रहे जिससे कि मैं अपना असली काम कर सकूँ, क्योंकि अगर फेम ज़्यादा हो गया तो मैं बोल नहीं सकता फिर।